चलिए आपकी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर हो गई। मंजूर तो होनी ही थी, इतने दिनों बाद छुट्टी ले रहे हैं आप। पुराना साहब, अब की बार अगर मैं छुट्टी ना लेता तो घर वाले बातचीत करना ही बंद कर देते। क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है कि घर वालों को, अपने घर में भी यही प्रॉब्लम है। कहिए कौन कौन है आपके घर में? सब है, दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, एक बेटी है, वो भी शादी के काबिल है। अब की बार कोई अच्छा सा घर देखूंगा। और एक पोता भी है। पोता? इतनी उम्र नहीं लगती आपकी। खुराना साहब, गांव में कम उम्र में ही शादी हो जाती है। शादी जल्दी हो गई तो बेटा भी जल्दी हो गया, बेटे की शादी जल्दी हो गई तो पोता भी जल्दी हो गया। अब तो कुछ 7-8 बरस का है। यानी इतना बड़ा हो गया कि छुट्टी ना लेने पर नाराज हो सके? हाँ बिल्कुल। सबको मनाने के लिए सबके वास्ते कुछ न कुछ ले जा रहा हूँ। देख लीजिए खुराना साहब, जिंदगी भर मैंने तो कभी रिश्वत नहीं ली, लेकिन जब घर जाता हूँ तो घर वालों को रिश्वत देनी पड़ती है। अच्छा जी, आई टेक केयर, वेल, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स सर। क्या बात है राम सिंह? सर, गब्बर सिंह जेल से भाग गया। गब्बर सिंह भाग गया? यस सर। लो, फिर नहीं लगी। क्या चाचा तुम तो? हाँ हाँ, तेरे बाप ने तो बहुत शेर मारे ना। चुप है चाचा। तुम दादाजी को लेने स्टेशन जा रहे हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? बैठिए, भाभी जाके पूछ ले। तुम पूछ लो ना। बेटा, भाभी से कह दे कि मैं चाचा के साथ जा रहा हूँ। चल चल। माँ माँ छोड़, सब्जी काटने दे। माँ, मैं चाचा के साथ स्टेशन जाऊँ? नहीं, स्टेशन नहीं। अरे बहू, बड़ाई को कह दिया आके फाटक बना जाएगा। और ये लो चिरौंजी, ये साबुदाना और ये रंग। अरे छोटी बहू, अभी आती हूँ। मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, अगर कोई काम हो तो। तू जा, मैं हूँ ना। चलिए लाओ बहू। माँ, मैं स्टेशन जाऊँ? बोला ना नहीं। अरे जाना चाहता है तो जाने दो। नहीं नहीं, वहाँ रेलगाड़ी आती जाती है, मुझे तो डर लगता है। सब रेलगाड़ियों की दुश्मनी है तुम्हारे सपूत से, देखते ही पटरी छोड़कर पीछे लग जाएंगी। तुम तो बस। अच्छा, बाबूजी की पसंद की सब्जी बन रही है? अरे जाने दो उसे। बिगाड़ो, हमें क्या है? ऐसे ही भूत बन के जाओगे? जाओ नहा लो और फूफू से कहो। निर्मला जी, भाभी जरा दीपक के कपड़े निकाल दे। भिन्नो जी, अभी निकाल देती हूँ। जा, अब उसने तो कच्ची सब्जी चबाने लगे। जिसे देखो आज काम में लगा है बाबूजी को दिखाने के लिए। हाँ, रोज तो सारा काम पुराने बरगद की चुड़ैल करके जाती है। अरे ये पहिया अभी तक यहीं पड़ा है। ये रामलाल भी बुढ़ापे में बिल्कुल सिर्री हो गए हैं। उनसे कहा था कि बैठक और बाबूजी का कमरा साफ करा दो, लेकिन अभी तक उनका पता ही नहीं। राधा के साथ मंदिर गए हैं, आते होंगे, हो जाएगा। अरे निंदे। हाँ भैया। ना के तैयार हो जाओ, स्टेशन जाना है कि नहीं? अभी आया। रुक्मिनी, समझ में नहीं आता इस चिड़ी मार को राधा जैसी सुशील लड़की कैसे मिल गई। बाबूजी से कहकर मैंने बात लगवाई थी, मगर मेरा एहसान थोड़ी कोई मानता है। लाखों में एक देवरानी लाई हूँ, नहीं तो आजकल की बहुएं डोली से उतरी और आंगन में दीवार खड़ी कर दी। अब देखना अपनी निम्मो के लिए कैसा वर ढूंढती हूँ।
कपर ठाकुर, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। कैसा फड़फड़ा रहा इस साला कमीने कुत्ते। दे जितनी गाली देनी है ठाकुर, जी भर के गाली दे हरामजादे। चिल्लाओ और चिल्लाओ। याद है उस दिन मैं चिल्ला रहा था, तुम तमाशा देख रहे थे। आज तुम चिल्लाओ, मैं तमाशा देखूंगा। हे सांभा, उस रोज कचहरी में ऐसा ताप मुझको, ऐसा ताप मुझको, अवसर मिलता तो वही हरामजादे का टेटवा दबा देता। मगर करता क्या, चार चार पुलिस वाले पकड़े हुए, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी। याद है? याद है? कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी ठाकुर? अभी तक बहुत जान बाकी है तेरे हाथों में। बांधो साले को। अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, वो हाल करके छोड़ूंगा कि दुनिया थूकेगी तुझ पर। बहुत जान है तेरे हाथों में। ये हाथ लगाम पकड़ के घोड़े को बिठा देते। बहुत जान है तेरे हाथों में। याद है ठाकुर क्या कहे थे तुम? ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। देख, फंदा खुल गया, खुल गया फंदा। बहुत जान है हाथों में। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं, ये हाथ हमको दे ठाकुर। चलिए, आपकी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर हो गई। मंजूर तो होनी ही थी, इतने दिनों बाद छुट्टी ले रहे हैं आप। पुराना साहब, अब की बार अगर मैं छुट्टी ना लेता तो घर वाले बातचीत करना ही बंद कर देते। क्या करें, हमारा